आप सैर कर रहे हैं, सैर भी कीजिए और खबरों से अपडेट भी रहिए। द सूत्र आपके लिए लाया है सुबह का पॉडकास्ट, सैर भी खबर भी। नमस्कार, मैं हूं राहुल गढ़वाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सलियों ने मानमदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध को बनने नहीं दिया और ये कहते रहे कि इस बांध से पर्यावरण को नुकसान होगा। अब जब बांध बनकर तैयार है तो आप देख सकते हैं कि उनके दावे कितने खोखले थे। पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करें कि व्यवसाय को सुगम बनाने या जीवन को आसान बनाने वाली परियोजनाओं को केवल पर्यावरण के नाम पर अनावश्यक रूप से रोका ना जाए। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के ब्रेक के बाद आज त्रिशूर से शुरू होगी। इससे पहले शुक्रवार को यात्रा को एक दिन का आराम दिया गया था। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। अब तक यात्रा ने 300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा के एक दिन के आराम को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाया है। मिश्रा ने कहा है कि पीएफआई के बंद के चलते कांग्रेस ने अपनी यात्रा पर रोक लगाई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएफआई और इस्लामिक जिहादी संगठनों ने शुक्रवार को हड़ताल का आह्वान किया था और कांग्रेस ने अपनी यात्रा रोक दी। इससे घटिया और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के ट्वीट पर फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सोनाली फोगाट मामले को लेकर आज हिसार में खाप महापंचायत होगी। सोनाली की बेटी यशोधरा ने खाप प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग करें और इसमें सहयोग करें। इससे पहले 11 सितंबर को खाप पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें सोनाली की मौत की सीबीआई जांच कराने के लिए 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। शुक्रवार तक सरकार इसको लेकर कोई और फैसला नहीं कर पाई। ऐसे में एक बार फिर से हिसार में खाप पंचायत बुलाई गई है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को 2 से 6 अक्टूबर के बीच सेंट्रल मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति दी है। कोर्ट के आदेश के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, एक पार्टी का नेता, एक शिवसेना, एक शिवतीर्थ, एक ही दशहरा सभा, 5 अक्टूबर को बाघ की दहाड़ सुनाई देगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दशहरा रैली करने की अनुमति देते हुए उनसे ये सुनिश्चित करने को कहा कि आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे।